वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रेप्रोडक्टिव ट्रैक ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। दोस्तों टोटल टीवी का लगभग 27% जो केसेस होते हैं वो रेप्रोडक्टिव ट्रैक ट्यूबरकुलोसिस से आते हैं। और दोस्तों रेप्रोडक्टिव ट्रैक ट्यूबरकुलोसिस मेल और फीमेल दोनों में को हो सकती है, बट मुख्यतः ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों इसको FGTB या APTV के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। दोस्तों सो रेप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, अगर फीमेल रेप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की मैं बात करूँ तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, मुख्यतः फेलोपियन ट्यूब और ओवरी में जो होता है टीवी ज्यादा पाई जाती है। दोस्तों ओवरी का काम होता है दोस्तों एक्स बनाना, एक्स की वजह से ही दोस्तों क्या होता है कि बच्चा बनता है। सो ओवरी जो एक्स बनाती है फेलोपियन ट्यूब उसको लेकर यूट्रस तक आती है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। दोस्तों अब क्या होता है कि अगर ओवरी में टीवी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि पहला ये होगा कि एक्स प्रॉपर नहीं बनेंगे, दूसरा ये होता है कि उसकी वजह से क्या होता है कि बार काफ़ी बार क्या होता है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, काफ़ी बार बिल्कुल नहीं होती है, काफ़ी बार क्या होता है कि महीने में 2 से 3 बार ब्लीडिंग भी हो सकती है। दोस्तों ये ओवरी की टीवी की वजह से हो रहा है। अगर इसके साथ साथ में दोस्तों फेलोपियन ट्यूब टीवी बहुत बड़ा और भी बहुत बड़ा कारण है। अगर उसमें क्या होता है कि अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाएंगे तो क्या होगा, एक्स जो होगा वो यूट्रस तक आएगा नहीं, जिसकी वजह से भी दोस्तों बांझपन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। दोस्तों इसके अलावा और भी हो सकती है टीवी, बट मुख्यतः ओवरी और फेलोपियन ट्यूब में ज्यादा पाई जाती है। इसके साथ साथ में यूट्रस में भी हो सकती है दोस्तों, या सर्विक्स के रीजन में भी हो सकती है, बट मुख्यतः ओवरी और फेलोपियन ट्यूब में ये ज्यादा पाई जाती है। दोस्तों अगर इसके लक्षण की बात करूं तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि बहुत इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स में क्या होता है कि बहुत ज्यादा काफी बार बहुत ब्लीडिंग होती है, काफी बार बिल्कुल नहीं होती है, काफ़ी बार कम होती है, और क्या होता है काफ़ी बार क्या होता है महीने में 2 या 3 बार भी ब्लीडिंग हो सकती है। दोस्तों उसके साथ साथ में क्या होता है कि कमर में दर्द रहता है, या हो सकता है कि जो वेजाइनल कैनाल के जरिए ब्लीडिंग हो, या आपको पता ना चले अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है दोस्तों, या और इन सब की वजह से दोस्तों क्या होता है बांझपन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर जो IVF के केसेस में पाया जाता है 50% केसेस में दोस्तों क्या होता है कि उसमें या तो एग्स प्रॉपर नहीं बनते हैं टीवी की वजह से, या फेलोपियन ट्यूब जो होती हैं ब्लॉकेज रहती हैं दोस्तों। सो ये कारण होता है टीवी, जैसा मैंने बताया कि टोटल टीवी के लगभग 27% कारण जो होता है जेनेटर यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है दोस्तों, और जिनमें बांझपन होता है उसमें बहुत बड़ा कारण टीवी होता है। दोस्तों ये टीवी जो होता है बैक्टीरिया के जरिए होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। उस बैक्टीरिया का जो नाम होता है दोस्तों, मुख्यतः जो एशियन कंट्रीज में पाया जाता है उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसके साथ साथ में दूसरे और भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम बॉबिस या माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकानम, बट मुख्यतः इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों अगर इसकी जांच की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है ESR टेस्ट होता है जो इन्फेक्शन को बताता है, उसके साथ साथ में अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है, मोन्टिक्स टेस्ट होगा जिसमें आपके हाथ में क्या होगा कि मेडिसिन इंजेक्ट अंदर की जाएगी स्किन के नीचे, तथा 48 घंटे के बाद उसको एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा इन्फेक्शन का लेवल कितना बढ़ा। उसके साथ साथ में क्या होगा कि आपके एंडोमेट्रियम से एक पीस निकाला जाएगा जिसकी क्या होता है दोस्तों टीवी की जाँच होती है, इससे पता चलता है कि टीवी है कि नहीं है। उसके अलावा उसी टुकड़े का कल्चर टेस्टिंग भी हो सकती है, या साथ साथ में जीन एक्सपर्ट टेस्ट जो ब्लड से अवेलेबल होता है उससे करवा सकते हैं, या दोस्तों बायोप्सी जो होगा, बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजी भी होगी दोस्तों, उससे पता चला जाएगा कि यह टीवी है या कैंसर है, उसकी जांच भी दोस्तों करवाई जा सकती है। दोस्तों तो दोस्तों अगर ये सब कंफर्म हो जाता है एक बार कि हाँ टीवी है, तो उसका जो इलाज है बहुत इजीली अवेलेबल है और सभी जगह अवेलेबल है। दोस्तों अगर इसके इलाज की बात करूं तो इनिशियल फर्स्ट फेज में 4 मेडिसिन होती हैं दोस्तों, आइसोनेजर, रिफैम्पिसिन, एथाम्बिटल और पाइरेजिनामाइड, जो 8 सप्ताह के लिए दी जाती हैं, और सेकेंड फेज में जो क्या होता है 3 दवाएं होती हैं, और वो क्या होती हैं दोस्तों 16 सप्ताह के लिए होती हैं। दोस्तों ये दवाई आपको अपने डॉक्टर की सजेशन से ही लेना है, जब तक डॉक्टर मना ना करें आपको दवाई कंटिन्यू रखनी है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना है, आपको दवाई रोकनी नहीं है, क्योंकि अगर आपने दवाई रोक दी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप बन जाएगा, मतलब MDR या XDR का फॉर्म ले लेगा, जिससे क्या होगा दोस्तों उसका जो इलाज जो होता है बहुत ही मुश्किल हो जाता है और असंभव हो जाता है, इससे मौत भी हो सकती है। दोस्तों दोस्तों
टीवी में क्या होता है कि मेडिसिन जब चल रही है तो उसके लिए डाइट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डाइट अगर आप नहीं लेंगे तो क्या होगा कि और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जाएंगे। सो डाइट में दोस्तों क्या होता है, विटामिन ए सी ई से भरपूर लेना है डाइट, मतलब फल सब्जियां जो होता है खट्टे फल ये आपको अच्छी मात्रा में लेना है दोस्तों। उसके साथ साथ में प्रोटीन रिच फूड लेना है, जिससे क्या होगा कि आपकी मसल्स बिल्डिंग होगी, जैसा अंडा पनीर सोया चंक से। अगर आप नॉनवेज खाते हैं प्लीज आप जो है ना नॉनवेज भी लीजिए, जैसे कि चिकन हो गया मछली हो गया, क्योंकि उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है तथा साथ साथ में उसमें क्या होता है और भी बहुत सारे प्रोटीन मिलते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ में आप जिंक से भरपूर भोजन लीजिए, जैसे कि कद्दू के बीज, सूरजमुखी या अलसी, इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा दोस्तों। क्योंकि टीवी की वजह से क्या होता है कि आगे चल के हाथों पैरों में झनझनाहट या वजन जो होता है काफी दिन तक कम रहता है, तो आपके लिए डाइट बहुत जरूरी है दोस्तों। टीवी में प्लीज ये याद रखिए दोस्तों, टीवी का इलाज जैसा मैंने बताया दोस्तों कि पूरी तरीके से अवेलेबल है, आप इलाज करवाइए आप बिल्कुल से ठीक हो सकते हैं दोस्तों। तो दिस अगर दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें तथा बेल आइकॉन दबाएं, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेल्थ रहो दोस्तों।